हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में। आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मूली के पत्तों का एक स्वादिष्ट सा साग। मैंने आधा केजी मूली के पत्ते लिए, उनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब इनको मैं महीन महीन छुरी से काट लूँगी। आपको बिल्कुल छुरी की सहायता से महीन महीन करके काट लेना है। मूली को मैंने अच्छे से कट कर लिया। देखिए, मूली भी काट कर ली और साग भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया। अब हम चलते हैं। कर दी कढ़ाई, रख दी। एक बड़ा चम्मच तेल लगा दिया, एक छोटी चम्मच भर के जीरा, चार पांच लहसुन और अदरक की कलियां, आधे इंच अदरक और लहसुन, इसको मैं बारीक कट करके डाल दिया। कम से कम चार पांच हरी मिर्च लिए, उनको भी मैंने कट कर लिया, वो भी मिर्च। दो सूखी मिर्च है, इनको भी हम डाल देंगे। एक छोटी चम्मच हींग है, क्योंकि साग में सबसे ज़्यादा फ्लेवर लहसुन और हींग का होता है, और मूली के पत्तों का साग हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। अब इस हींग को भी हम इसमें डाल देंगे। लहसुन और मिर्च हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए, इनकी बहुत अच्छे से फ्राई। अब हम डाल देंगे साग, नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम अच्छे से चला लें। मूली का साग हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और इसको बच्चे बड़े सबको खाना चाहिए। अब हम इसको कम से कम दो मिनट तक लिड लगा के पका लेंगे, तो पानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब इसकी हम लिड हटा के चेक करते हैं, तो उलट पलट करके चला दें और एक बार चेक कर लेंगे कि गली है या नहीं। अभी थोड़ी सी तली है, अभी नहीं गली है। अभी इसको कम से कम दो मिनट तक और पकाएंगे। लगा के हम चेक कर, हटा के चेक करते हैं साग बन गया नहीं। देखिए कितना अच्छा साग बना है। अब इसको देख भी लेते हैं गला गया नहीं। देखिए, ये भी गल गया, ये भी अच्छे से हो गई है। कम से कम साग बनने में 5 मिनट खूब लग गया था और हमारा मूली का साग बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल की रोटी, पराठे, पूड़ी जिससे खाना चाहें खा सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे सर। मूली का साग बिल्कुल हमारा बनके तैयार है और मूली का साग बहुत हेल्दी होता है। अक्सर लोग मूली के पत्ते को फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर आज आपको मेरा मूली का साग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय।